इस वक्त मैं बस स्टैंड पे हूँ और एबीवीपी की तरफ से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और पुतला जलाया जा रहा है। चलिए इन्हीं से बात करूंगा मैं, क्योंकि जिस तरह से रामबन में एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर लाठी चार्ज हुआ है स्टूडेंट के ऊपर, उसी के चलते जो है एबीवीपी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। यानी बस स्टैंड का ये एरिया है जहाँ पर चारों तरफ से आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। चलिए मैं इनके साथ बात करने की कोशिश भी करूंगा और इसके बाद जो है सबसे पहले मुझे बताइए ये प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है आपका? देखिए सर, जैसा कि देखा जाए, आपने देखा होगा कि आज रामबन में 144 लागू है। आपको पता है वो 144 क्यों लागू किया है? आज रामबन पूरा बंद है, इसकी वजह जानते हैं क्यों बंद किया है? जाके छात्रों को अंदर कर दिया है, वहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों के साथ दुष्व्यवहार हुआ है, सबके साथ हर किसी के साथ दुष्व्यवहार हुआ है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त न करेंगे कि एक छात्र के साथ जो है वो ये सब हो रहा है। स्टूडेंट किस तरह की डिमांड कर रहे थे वहाँ पर, किस चीज की? देखिए, जो स्कूल की लैब तोड़ी गई थी और स्कूल के चार बाथरूम तोड़े गए थे, तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चला था कि आप जो ये ऑक्सीजन प्लांट कहीं और जगह लगा दो, लेकिन जो है प्रशासन ने स्टूडेंट्स की एक भी बात नहीं सुनी, उनने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और वहाँ वो तोड़ दिए। उसके बाद जो प्रोटेस्ट चला हुआ था तो SHO, SI और एक तहसीलदार की मौजूदगी में उन पे लाठीचार्ज हुआ, पहले भी लाठीचार्ज हुआ और कल भी लाठीचार्ज हुआ है, जो बहुत ही एक शर्मनाक बात है हमारे लिए, जो एक स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है प्रशासन द्वारा। और ये स्टूडेंट जो है, आज का स्टूडेंट इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और ये लगातार हर जगह ये प्रशासन ये प्रोटेस्ट जो है चलता रहेगा, जब तक ना DC रामबन, SI रामबन, SHO रामबन इनको जब तक ना सस्पेंड किया जाएगा, तब तक छात्र जो है वो सड़क नहीं छोड़ेगा, जो हर जगह ये है, जो ये लगातार प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। मतलब आपकी डिमांड नहीं सुनी गई तो प्रोटेस्ट जो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, आज ये जो है वो हर जगह हो रहा है तो ये कंटिन्यू होता ही रहेगा जब तक ना इनको सस्पेंड किया जाएगा। तो अभी आपने किसका पुतला यहाँ पे जलाया? ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, DC, SI, SHO, जो भी जिन ने भी उन पे अत्याचार किए हैं वो हमने उनको यहाँ जला दिया। चलिए, ये थे ABVP के सारे छात्र और ये जो है बस स्टैंड के अंदर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से रामबन में एक इंसिडेंट होता है, लाठी चार्ज होती है स्टूडेंट के ऊपर और अपनी डिमांड रखने के लिए, और उसके बाद जो ये डिमांड कर रहे हैं SHO रामबन और DC रामबन और जो भी जितना भी पूरा प्रशासन है, चाहे वो तहसीलदार से लेकर बड़े बड़े अफसर हो, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो, सस्पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। अब आने वाला ये समय ही बताएगा, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि अगर जल्दी से हमारी ये डिमांड नहीं सुनी गई तो हमारा जो ये प्रदर्शन है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फिलहाल देखते रहिए जो मूव परिवर्तन, मैं विकास मनास जोड़ा। Get out!
जो स्कूल की अंडर बिल्डिंग आती थी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे बुलडोजर चला दिया और वहाँ की जो स्कूल की लैब और साथ में 5-6 वॉशरूम और साथ में उनका एक गार्डन को तोड़ दिया, जिसको लेके वहाँ के स्थानीय लोगों ने और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और एक शांतिपूर्वक आंदोलन स्कूल के अंदर जारी किया। तो वहाँ पे बताया जाता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को कि आप ये आंदोलन बंद कर दें, वहाँ पे आपके साथ डीसी साहब मिलने आएंगे। पर जब डीसी साहब मिलने आएंगे वगैरह ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पे डीसी साहब ने रामबन के SHO रामबन, तहसीलदार रामबन और SI वहाँ के उन तीन बंदूकों को वहाँ पे भेजा है और हमारे कार्यकर्ताओं को एक जानवरों की तरह व्यवहार करते हुए मार मार के स्कूल से वो थाना ले गए हैं। उन कार्यकर्ता